होस बोले फिर से आरएसएस के सर कार्यवाहक बन गए हैं। दत्तात्रेय होस बोले दूसरी बार संघ के सर कार्यवाह बनाए गए हैं। नागपुर में चल रहे आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में उन्हें दूसरी बार संघ के सर कार्यवाह चुना गया है। दत्तात्रेय होस बोले 2027 तक के लिए सर कार्यवाह बनाए गए हैं, वो 2021 से ही सर कार्यवाह की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। हम पूर्ण मंडल, पूर्ण खंड के और पूर्ण नगर के एक लक्ष्य लेकर चले। एक खंड में डेवलपमेंट ब्लॉक जो है, विकास खंड, उसमें जितने भी मंडल है उन सभी मंडलों में संघ के कार्य किसी न किसी रूप से, शाखा अथवा मिलन, नित्य शाखा अथवा नहीं साप्ताहिक मिलन, यह होना चाहिए। ये हमारा संकल्प है। हम अगले एक वर्ष में इसको पूरा करने के लिए सब प्रकार के प्रयत्न करने वाले हैं। चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है तो दूसरी तरफ अभी तक इंडिया अलायंस की सीट शेयरिंग वाली उलझने सुलझने का नाम ही नहीं ले रही हैं। पूरे देश की निगाहें 17 मार्च को होने जा रही विपक्ष की मुंबई रैली पर हैं, जहां इंडिया गठबंधन कई बड़े ऐलान कर सकता है। सत्रह मार्च की तारीख इंडिया गठबंधन के लिए बहुत अहम होने जा रही है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 17 मार्च को महाराष्ट्र में खत्म हो रही है। इसी दिन मुंबई में महारैली होनी है। कांग्रेस पार्टी इस रैली को भव्य बनाने की योजना पर काम कर रही है। इसीलिए इस सभा में कई बड़े नेताओं, कलाकारों और नामी हस्तियों को भी बुलाने की तैयारी है। कुल 6,700 किलोमीटर की यात्रा का समापन कांग्रेस बहुत शानदार तरीके से करना चाहती है, लेकिन इस रैली में इंडिया महागठबंधन की एकता का टेस्ट भी होने वाला है। इस महारैली में अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, तेजस्वी यादव, झारखंड के सीएम चंपई सोरेन, तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन सहित तमाम लोगों के हिस्सा लेने की चर्चाएं जोर पकड़ रही हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस महारैली में शामिल होंगी भी या फिर नहीं। सवाल ये भी है कि क्या सीपीआई के नेता डी राजा इस महारैली में शामिल होंगे, क्योंकि डी राजा ने वायनाड में राहुल के खिलाफ प्रत्याशी को जीत दिलवाने की योजना तैयार कर ली है। ए राजा की पत्नी एनी राजा वायनाड से चुनाव लड़ रही हैं राहुल गांधी के खिलाफ। सवाल ये भी है कि क्या पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला एक साथ इस रैली में शामिल होंगे। चर्चा है कि अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी आम आदमी पार्टी का प्रतिनिधि मुंबई की रैली में जाएगा। कैसे देख रही है इस बार के चुनाव को? इस बार के चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है और मैं प्रदेश के सभी लोगों से कहूंगी कि बहुत सोच समझ